दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि कई बड़े बजट की फिल्में आईं जिसमें मुख्य भूमिका हीरो की ही रहती है, लेकिन जल्द ही रिलीज होने वाली संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में मुख्य किरदार नायिका का ही है, जिसके नाम पर ये फिल्म बनी है और जिसमें दीपिका पादुकोण ने ये प्रमुख किरदार निभाया है। हिंदी सिनेमा में करीब 200 करोड़ रुपए के बजट वाली ये फिल्म एक अभिनेत्री के कंधों पर टिकी है। पद्मावती में दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली तीसरी बार साथ काम कर रहे हैं। दीपिका इसमें अपना रॉयल जादू बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पद्मावती की कहानी रानी पद्मिनी के बारे में है, जो इतिहास में सबसे खूबसूरत महिला थी। यही कारण था कि उनके पति राजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ। इस फिल्म में भी यही दर्शाया गया है। सबसे खूबसूरत महिला को दर्शाने के लिए दीपिका इस भूमिका के लिए उपयुक्त हैं। भंसाली की पहली पसंद दीपिका ही थी, और अगर दीपिका ने इस रोल के लिए मना कर दिया होता तो वे शायद ही ये फिल्म बनाते। फिल्म देखने पर ये जरूर पता लग जाएगा कि दीपिका इस रोल के लिए सही विकल्प क्यों है। फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों को दीपिका शाहिद रणवीर का ट्रायो देखने का बेसब्री से इंतजार है।